और इंग्लैंड के बीच खेले गए वर्ल्ड कप फाइनल में एक बार फिर फील्ड अंपायर की अंपायरिंग पर सवाल उठ गए। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की। उनकी पारी में कुमार धर्मसेना और माइरस एरामस ने तीन गलत फैसले दिए, जिसकी कीमत न्यूजीलैंड को खिताब से हाथ धोकर चुकानी पड़ी। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए टाई मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड ने सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने के कारण खिताब अपने नाम किया। न्यूजीलैंड की पारी के तीसरे ओवर में हेनरी निकोलस को धर्मसेना ने LBW आउट करार दिया था। हालांकि रिव्यू के बाद वो नाबाद करार दिए गए थे क्योंकि गेंद स्टंप्स के ऊपर से जा रही थी। इसके बाद 23वें ओवर में लियम प्लंकेट की गेंद केन विलियमसन के बल्ले से लगकर विकेटकीपर के हाथों में चली गई, लेकिन धर्मसेना ने आउट करार नहीं दिया। इंग्लैंड ने फैसले पर रिव्यू लिया और फैसला उनके पक्ष में गया। 34वें ओवर में माइरस एरामस ने मार्क वुड की गेंद पर रॉस टेलर को LBW करार दिया। हालांकि रिप्ले में दिखा गेंद स्टंप्स के ऊपर से जा रही थी। हालांकि मार्टिन गुप्टिल ने पहले ही न्यूजीलैंड का रिव्यू गवा दिया था, जिसके कारण टेलर को वापस जाना पड़ा। ऐसे में सेमीफाइनल मुकाबले में धर्मसेना पर सवाल उठे हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मुकाबले में भी धर्मसेना अपने गलत फैसलों के कारण निशाने पर आ चुके हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर ये फैसले सही होते तो न्यूजीलैंड आज विश्व विजेता होता। इस वीडियो पर आप अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए।